आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ देर के लिए साइलेंस मेंटेन करेंगे। आप वही देखते हो, वही सुनते हो जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो। आप वो नहीं देखते, सिर्फ आप ही नहीं, सब हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गांव से अगर अभी शहर में आएगा तो यहाँ पर जो शोर है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उसको वो शोर कई दिनों तक तंग करेगा। हमारे लिए वो शोर कहाँ है, कभी सोचा है? दिल्ली में क्या हमारे लिए शोर है? जब हम घर में होते हैं उसको नींद नहीं आएगी कुछ दिन तक, हमको नींद आ जाती है। हाँ, टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही, बात अलग है, शोर की वजह से ऐसा नहीं है नींद नहीं आती। यही अगर हम गांव में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो साइलेंस है वो हम पर हावी हो जाएगी और हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। जो गांव में आदमी है उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज उसको, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सो इसी तरह से अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो जो भी कुछ मैं कहूँगा वो सब एक लेवल तक है, उसके आगे बेकार है, बिकॉज आप सुनोगे वही जो आप सुनना चाहते हो। अंदर फिल्टर्स हैं बहुत सारे, सब फिल्टर हो जाएगा। जो मैं बात कहूँगा, कहूँगा कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकलेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निकल जाएगा। तो जो असली काम है वो नहीं हो पाएगा। असली काम क्या है कि किसी तरह से मैं उस सच को कन्वे कर पाऊँ विच कैन लिबरेट यू फ्रॉम ऑल सफरिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ टू अंडरस्टैंड कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। मुक्त होना है, किससे? कौन मुक्त होगा? अब इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं बड़ा सिंपल तरीके से बोलूँगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, सो दैट आप इसको पकड़ सको। अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आपको किसी तरह की बॉन्डेज से फ्री होना है। आई विल रिपीट इट, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। अल्टीमेट गोल ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, रियल स्पिरिचुअलिटी, नॉट सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे कोई टेक्निक दे दी और गधों की तरह बोला घूमते रहो, बस चक्कर लगाते रहो, ये करते रहो, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, बट टू अंडरस्टैंड दैट देर इज नो बॉन्डेज। ये नहीं है कि आपको मुक्त होना है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ पाना है, आप तो ऑलरेडी वो हो जिसके पास में सब कुछ है। ये सब कुछ आपके अंदर ही है, आपके बाहर कहीं कुछ नहीं है, आपसे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है, आप इनफाइनाइट हो। एक बार इनफाइनाइट वर्ड को सोचने की कोशिश करो, थिंक अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस वर्ड इनफाइनाइट, अनंतम, अनंत, थिंक अबाउट इट। कहां तक जाएगा, कहां तक एक्सपैंड करेगा, इट्स इनफाइनाइट। तो वो आप हो, वो मैं हूं, वो हम हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है स्पिरिचुअलिटी का, ये समझना कि मैं ऑलरेडी फ्री हूँ और मुझे फ्री होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है, राइट अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन हूँ। जब भी ये अंडरस्टैंडिंग गलत होगी तो क्या होगा,
सफरिंग शुरू, दुख शुरू। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई दुख आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि समझ में कमी है, कि आप हो कुछ और, अपने आप को कुछ और समझ लिया। मतलब हाथ में जलते हुए कोयले रखे हुए थे जिसकी वजह से दर्द हो रहा था, वो छूट गए तो क्या हुआ, दुख खत्म। इस समझ को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये समझने के लिए कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, ये क्लियर हो रहा है। जो आप हो अगर वो आपको समझ आ जाए तो क्या होगा, अभी समझ आ जाए तो क्या होगा, जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं वो सब हट जाएंगी, जिन चेन से आप बंधे हुए हो वो सारी चेन्स टूट जाएंगी, उसको आप फ्रीडम कहो। फ्रीडम किसके लिए, वो जो ऑलरेडी फ्री है, अभी भी फ्री है, ये मत समझो अभी अभी बंधा हुआ है। आप ज़बरदस्ती जो इनफाइनाइट हो, अपने आप को फाइनाइट समझ लेते हो किसी वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से, उससे क्या होता है, दुख शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर हमारी ये समझ डेवलप हो जाए कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, जो नहीं हूँ उसको क्या किया, छोड़ दिया। छोड़ा किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। इसको भी ध्यान से समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे गड़बड़ वहां है सारी की सारी, समझ में गड़बड़ है, एक्चुअल में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और इसको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, जब आपको समझ आ गया तो वो छूट जाएगा, अभी समझ नहीं आ रहा है, गड़बड़ समझ में है। और जब समझ आ गया कि मैं क्या हूं, तो क्या उसको पकड़ना पड़ेगा, अभी आपकी समझ क्या कहती है कि मैं ये बॉडी हूं, तो शीशे में देख करके बार बार अपने आपको समझना पड़ता है कि मैं ये बॉडी हूं, मैं ये बॉडी हूं, मैं ये बॉडी हूं, ये जो शीशे में दिख रहा है ये मैं ही हूं, नहीं ना। समझ अभी यहां पर अटकी हुई है, इसके आगे बढ़ नहीं पा रही। सपोज एक बंदर में जो शीशे के सामने बैठ करके अपने आप को देख रहा है, शीशे में उसको अपनी ही शक्ल दिख रही है, और वो क्या कर रहा है, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें और हम में क्या फर्क है, क्यों लगता है, हमें भी अंदर कोई और दिखता है, उसे भी कोई और दिखता है, दोनों में फर्क क्या है, उसकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं, उसके अंदर भी माइंड है, हमारे अंदर भी माइंड है, फर्क क्या है, कॉन्शियसनेस भी सेम है, वो भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है, क्या फर्क है, अंडरस्टैंडिंग। बस एक बंदर में और एक इंसान में क्या फर्क है, समझ का फर्क है। हमें समझ आ गया है कि ये मैं ही हूं, बंदर को नहीं समझ आया है। अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक बच्ची अपने परछाई से डर रही थी, भाग रही थी, आपके पास भी आई है किसी के पास ये वीडियो, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, छोटी सी बच्ची है, फॉरेनर है, वो क्या कर रही है, वो बार बार वो पीछे पलट के देख रही है, उसको अपनी परछाई दिख रही है, तो चीख रही है, डर रही है और भाग रही है। तो उस बच्ची में और आप में क्या फर्क है, आप ऐसा करते हो, कोई नहीं करते, क्यों, हमें समझ आ गया कि हमारी परछाई है, कोई भूत थोड़ी है, उसके लिए वो भूत है, बस इतना सा है। तो आप में और सो कॉल्ड एनलाइटेंड लोगों में क्या फर्क है, समझ का फर्क। इस समझ को डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले एक पीसफुल माइंड चाहिए, शांत मन से ही तो हम समझेंगे। एक बंदर है, वो चीखे जा रहा है बार बार अपनी परछाई को देख करके, बौखलाया हुआ है, उस परछाई से रिलेटेड कुछ सोचे जा रहा है, समझ गए, अपनी ही परछाई दिख रही है, उससे रिलेटेड कुछ सोच रहा है कि अगर ये इसमें से बाहर आ गया तो क्या होगा, मुझे मार देगा, मेरे साथ में पता नहीं क्या करेगा। तो अगर उसको समझाना है तो हमें क्या करना है, पहले उस बंदर को बोला जाए, भाई टिक्के बैठ, सुन तो सही कि कहा क्या जा रहा है, समझ तो सही, चल तू सुन मत, आराम से बैठ करके देख तो सही कि कौन है जो दिख रहा है, तू ही है या कोई और है।
कोई और है तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा, तू ही है तो कुछ नहीं करना, बैठ जा आराम से देखता रहे। क्लियर है? तो सारी साधना स्पिरिचुअलिटी की जितनी भी है वो सब इसीलिए है कि कुछ देर के लिए हमारा माइंड पीसफुल हो पाए, ताकि हम अपनी समझ को डेवलप कर पाए। लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं, पीसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन उस पीस में उनको इतना मजा आ रहा है उसको छोड़ ही नहीं रहे। बहुत लोग साधना करके प्रैक्टिस करके उस पीस को पकड़ लेते हैं। वो है रिलेटिव पीस विच इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग, डिपेंडेंट अपॉन अ स्टेट। स्टेट का मतलब समझ गए, स्टेट सिचुएशन। कि अगर आप पहाड़ों में हो तो बहुत पीसफुल हो, घर आ गए तो सारी पीस कहाँ गई, गायब। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पीस। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ऐसी हमारा रिलेशन हो गया एक ऐसी जगह के साथ, उसके साथ हमने एक रिलेशन बना लिया। जब तक वो रिलेशन है तो हम बहुत पीसफुल हैं। इस दुनिया में भी तो यही होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जब तक आप उस इंसान के साथ हो जिसके साथ आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो क्या होता है, हम पीसफुल होते हैं, हम खुश होते हैं। उस इंसान के चले जाते ही क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। दैट इज रिलेटिव पीस। स्थित प्रज्ञ, स्थित मींस वो हम सबको पता है स्टेबल, एंड नॉट जस्ट स्टेबल, एब्सोल्यूटली स्टेबल। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रज्ञ। व्हाट इज प्रज्ञ? विजडम। विजडम क्या, अभी जिसकी मैंने बात करी, अंडरस्टैंडिंग। कि अब आप चाहे सब चीजों के साथ में हो चाहे सब चीजों के दूर हो, आप फ्री हो। दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम, नॉट फ्रीडम फ्रॉम थिंग्स। फ्रीडम चीजों के होने के बावजूद, चीजों के ना होने के बावजूद भी अगर आप फ्री हो तो आप फ्री हो, वरना आप कहां फ्री हो। इफ सम ऑफ यू वॉन्ट टू गो एट अ वेरी वेरी एडवांस लेवल, जो बिल्कुल कोर है वहां तक पहुंचना चाहते हो, उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है यू नीड टू गो इन द डेप्थ्स ऑफ वेदांत उपनिषद्स। बेसिकली 108 उपनिषद्स हैं, बट उसमें से 9 मेन हैं, तो वो बुक आपको गीता प्रेस से मिल जाएगी। आइडियली अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, तो उसमें लीकेजेस कम है। इंग्लिश का पढ़ोगे तो लीकेजेस और ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है उसके अपने वर्जन्स आ गए उसके अंदर। तो उसको पढ़ करके समझ करके देन यू नीड टू सी कि उसमें क्या कहा जा रहा है। सी मतलब ध्यान में, आंखों से नहीं, ध्यान से देखो कि ध्यान में क्या आता है, कैसे आता है, कब आता है, ये मैं कब पैदा होता है, मैं कब मरता है। एक है आने जाने वाला मैं, पैदा होने वाला मैं, मरने वाला मैं, क्या वो हो, ये समझना है, इस समझ को डेवलप करना है। मेडिटेशन करते करते बीच में 15 मिनट ऐसे आते हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप एकदम से वापस आते हो, आप कहते हो अरे वाह क्या एक्सपीरियंस था, तो ये मैं क्या हुआ, आपने क्या कहा, मैं एक ऐसी स्टेट में चला गया था जहां पर मैं जा करके एक हो गया था, मिल गया था, किससे एक हो गए थे। ये क्या है, आने जाने वाला मैं, जो स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है, या तो समाधि के साथ जुड़ा हुआ है, या नींद के साथ जुड़ा हुआ है, या किसी ना किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। जहां भी कोई जुड़ा हुआ है किसी के साथ में, वहां पे दो है। तो अब इसका क्या तोड़ है, आपको वेदांत को आज नहीं तो कल गहराई से स्टडी करना होगा, उसको प्रमाण बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज द फाइनल प्रूफ। देखो इसमें क्या है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो इस बात पे चल रहे हैं, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 50 साल से चल रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई है किसी ने संन्यास ले लिया है, कोई मंक बन गया है, नॉन स्टॉप 8-8 दिन तक समाधि में है, लेकिन असली काम नहीं हो पा रहा है। तो असली काम कैसे होगा, दो चीज़ें वहाँ पर जा करके मिलनी चाहिए। एक चीज़ आपके साथ हो चुकी है जो आपको पता ही नहीं है, जो असली चीज़, जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस. एक तो इसको साउंड कहना बंद कर दो, नहीं तो जब आप उपनिषद को पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज नॉट अ साउंड. साउंड मतलब ये जो दो चीज़ों के टकराने से होती है. दिस इज नॉट अ साउंड. ठीक है, तो ये जो है जिसका आपको बोध हो गया है, देखो दो चीजें होती है. एक होता है एक्सपीरियंस कि कोई मणि है वो आपके हाथ लग गई. कोई है बंदा वो पढ़ता रहा उस मणि के बारे में लाखों सालों तक, लेकिन उसको मणि मिली नहीं क्योंकि मणि कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है. मणि तो आपके हाथ लग गई लेकिन आपके लिए क्या है वो? पत्थर है. क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी. दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ तो अटक गए. तो एक काम आपका हो चुका है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस. नाउ यू नो व्हाट उपनिषद्स आर टॉकिंग अबाउट. नाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब सिर्फ इस गुत्थी को सुलझाना है कि ये क्या है, मैं क्या हूं, ये दुनिया क्या है, माइंड क्या है, भगवान क्या है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको सुलझाना है. बट आपके पास में एक बेस है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. लोगों के पास में बेस ही नहीं है. समझ गए? लेकिन फिर भी एक इसकी इंपॉर्टेंस वैसे समझ में आई क्योंकि लाइफ में उसका प्रैक्टिकल हमने इफेक्ट देखा. लेकिन एक सवाल ये आता है कि जो रूल अभी हम बात करते हैं जिसको हमने जाना वो हम नहीं है. अगर मैंने देखा बॉडी है तो मैं बॉडी नहीं हूँ, तो साउंड ऑफ साइलेंस को भी मैं सुन रही हूँ, वो कैसे हो सकती हूँ? पूछो उससे वो कौन है वो मैं जो सुन रहा है. पूछो, सुनने वाला सच है या जो सुनाई दे रहा है वो सच है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ये सुनने वाला और सुनाई देने वाला एक ही है? जब बहुत एक डीप मेडिटेशन में आता है तो मुझे साउंड ऑफ साइलेंस सुननी भी बंद हो जाती है, सिर्फ साइलेंस रह जाता है, कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे. साउंड ऑफ साइलेंस भी बंद हो जाती है सुननी. तब कहीं ऐसा तो नहीं है आप कुछ नहीं के साथ में जुड़ गए होते हो? गहरी नींद में क्या होता है, नींद आती कैसे है कभी सोचा है? ऐसे ही समाधि में जाते हैं, लेकिन लोग बहुत बारीकी से इस चीज को देखते नहीं है. You need to see it very, very patiently. बहुत आराम से step by step देखना है. कैसे आती है नींद? सबसे पहले आप जा करके बेड पे लेट जाते हो, आपका ध्यान धीरे धीरे आपके जो फाइव सेंसेस हैं उसके थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके अंदर एंटर कर रहे हैं वहाँ से ध्यान हटना शुरू हो जाता है. क्लियर है? अगर वहाँ से ध्यान ना हटे तो कभी नींद आ सकती है आपको? किसी हाल में नहीं आ सकती. मतलब अगर दूसरे कमरे में कोई शोर मचा रहा है या टीवी चल रहा है तो आपका ध्यान पहले वहां से हटना जरूरी है. जब तक वहां से ध्यान नहीं हटेगा आपको नींद नहीं आएगी, किसी हाल में नहीं आएगी. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ थॉट चल रहे होते हैं, कल मुझे ये करना है, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, सुबह जल्दी उठना है, नींद नहीं खुली तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. तो आपने किसको पकड़ा हुआ है पहले? पहले उन्होंने आपको पकड़ा था या आपने उनको पकड़ा था? बहुत बारीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से अपनी अवेयरनेस को पूरा बढ़ा लो. वो जो ऑब्जेक्ट्स आपके सेंसेस के थ्रू आपके अंदर एंटर कर रहे थे, चाहे वो आवाजें थी, चाहे कुछ फील हो रहा था, एसी तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, ठंडी ज्यादा है, कम है, गर्मी है, इन्होंने आपको पकड़ा हुआ था या आपने इनको पकड़ा हुआ था? सोच के बोलो. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपको पकड़ा होता तो आप छोटी नहीं पाते. सोचो, वो आवाज तो अभी भी वहीं के वहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? उस आवाज ने आपको नहीं पकड़ा था, आपने उस आवाज को पकड़ा था. यहां अभी बहुत आवाजें हैं, वो आवाजें आपको नहीं पकड़ रही हैं. एसी की आवाज भी है यहां पे, आपने मेरी आवाज को पकड़ा हुआ है, एसी की आवाज को छोड़ा हुआ है. कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, मेरे हाथ में आया कंट्रोल. इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट्स आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते. अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट्स के पीछे ही भाग रही है. तो ये सारा ध्यान का खेल हो कि जहां मेरा ध्यान गया बस. किसने किसको पकड़ा सोच लो.
यहां पे समझ आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, उन ग्रॉस चीजों को त्याग दिया, जिसको डिटैचमेंट बोलते हैं। आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, अपने फायदे के लिए, जिससे कि नींद आए। नींद क्यों आए, शांति मिले थोड़ी सी, बहुत हो गई कचर पचर 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 पचर, दिमाग के अंदर भी बाहर भी, है कि नहीं। तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, पागल हो जाओगे, यू विल गो मैड। तो आपने उसको छोड़ा, उसके बाद में क्या हुआ, अंदर जो थॉट्स थे उन्होंने आपको पकड़ा हुआ था या आपने उनको पकड़ा हुआ था, सोचो। इसका एक प्रूफ बताऊं, वो थॉट्स जो भी आपके माइंड में चलते हैं वो आपसे रिलेटेड होते हैं या आपके पड़ोसी से रिलेटेड होते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं। कि अगर पड़ोस में किसी बच्चे के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि उस बच्चे के साथ में गड़बड़ हुई है, आप ये सोच रहे होते हो कि मेरे बच्चे के साथ में गड़बड़ होगी तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैं क्या करूं, मेरे साथ में ये क्यों हुआ। ये इसी तरह के थॉट्स होते हैं, और कोई थॉट्स होते हैं सर, इससे रिलेटेड जैसे किसी दोस्त के लिए खराब है, हॉस्पिटल है, हां तो मेरा दोस्त है इसीलिए ना, किसी और के लिए तो वो मेरा ही, मेरा हो गया ना, मैं मेरा मेरे इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो ये सब क्या है, आप ही हो, आप ही से कनेक्टेड है ना। अगर मैं ही नहीं तो मेरा दोस्त कहां से आया, मेरा दोस्त मतलब किसका, इस बॉडी का दोस्त, एरर तो यहीं से शुरू हो गया ना। तो ये मैं मेरा मेरे इससे रिलेटेड हमने चीज़ों को पकड़ लिया, लोगों को पकड़ लिया, सिचुएशंस को पकड़ लिया, इमेजिनेशंस को पकड़ लिया, मेमोरीज को पकड़ लिया, एक एक करके सब छोड़ दिया। छोड़ना ही पड़ेगा, सोना है तो, शांति चाहिए तो, है कि नहीं। फिर क्या होगा, क्या होता है, एक एक करके फीलिंग्स छूटती हैं। जब आप सोने वाले होते हो उस समय क्या होता है, फीलिंग्स को छोड़ते हो, सेंसेशंस को छोड़ते हो, बाहर का सब छोड़ दिया, धीरे धीरे थॉट्स को भी छोड़ दिया, फिर एंड में एक थॉट रह जाता है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। जैसे जब मेडिटेशन कर रहे होते हो तब ये थॉट चल रहा होता है, वो स्टेट क्यों नहीं आ रही जो कल आई थी, जब कुछ भी नहीं था, जब मैं भी नहीं था, मैं एक हो गया था। ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, नोशंस हैं, आइडियाज हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं। वो सब तो रोज होता है, रोज रात को नींद में होता है, भूल के भी इससे चिपक मत जाना। इन स्टेट से हमको चिपकना नहीं है, इनको समझना है, समझना है कि उस वक्त कौन होता है। जब गहरी नींद में आपने थॉट्स को छोड़ दिया, आप थे या नहीं थे गहरी नींद में, अगर आपका नाम जोर से कोई पुकारे तो आप जागोगे या नहीं जागोगे, जागोगे। तो इसका मतलब अगर आप 7 घंटे सोए तो 7 घंटे तक आप थे, आपका ध्यान था, लेकिन आपके ध्यान में कुछ नहीं था। ध्यान में जो भी आता है हम वो ही बन जाते हैं। बट ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहां पे टच नहीं करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा देखो, आप कहते हो मैं सीयर हूं, क्यों, जब कुछ देख रहे हो तो यह सेइंग कि मैं देखने वाला हूं, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपके ध्यान में कुछ दिख रहा है, अगर वो दिखना बंद हो जाए तो देखने वाला कहां है, नहीं, कुछ सुनाई देना शुरू हो जाए तो आप क्या कहोगे, आई एम द हियरर ऑफ दिस साउंड एंड आई एम हियरिंग this sound and I am the hearer. Who is this hearer? इसको टटोलो, क्या कोई hearer है या नहीं है, या ये एक imagination है? Is hearer different from the sound? पूछो, क्या देखने वाला दिखने वाले से अलग है, या ये एक साथ में पैदा हो रहे हैं, एक साथ में मर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो समझने की कोशिश करना, नहीं भी आए तो एटलीस्ट अपने अंदर जाने देना, वक्त आने पे समझ आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही मुझे कुछ सुनाई देता है तो मैं जागता हूं, फिर देना बंद हो जाता है तो मैं नहीं होता। लेकिन जब
कुछ होता है, अभी मैं बात कर रहा हूं बहुत सटल लेवल की, यानी कि थॉट्स की, कोई भी थॉट, कैसा भी थॉट, जब कोई थॉट होता है और जब कोई थॉट नहीं होता है, उस वक्त क्या होता है? तो यहां पर दो मैं हैं, एक मैं वो जो चीजों के साथ बनता है और मिटता है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें बन रही हैं और मिट रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, देयर इज नो थिंकर, थॉट आया और गया, उस थॉट के साथ ही एक ख्याल पैदा हुआ, आई एम थिंकिंग दिस थॉट सो आई मस्ट बी द थिंकर, वो चला गया तो क्या लगा, थिंकर मर गया। मैंने सर कहीं पे पढ़ा था कि जैसे हम किसी झरने के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो झरने के पास हमेशा आ रही है, जब हम झरने के पास जाते हैं तो ही वो आवाज आती है, जब हम वहां नहीं होते तो वो आवाज नहीं होती, मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया, और जो आज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उससे रिलेट करता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, वंस यू स्टडी क्वांटम फिजिक्स तो आपको समझ आता चला जाएगा कि एक्चुअल में कहीं कुछ है ही नहीं, आपके होने से ही सब कुछ है, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, मतलब कि अगर एक एटम को फायर किया जाए तो अगर कोई देख रहा है, इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर, तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, और अगर कोई ऑब्जर्वर वहां पे नहीं है, ऑब्जर्वर को हटा दो तो सिर्फ वेव है, एक लहर है, पार्टिकल कहीं भी नहीं है। व्हाट डज दैट मीन, साइंस क्या कह रही है, कह रही है कि ये सब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, कोई देख रहा है इस वजह से दिख रहा है, है इस वजह से कोई नहीं देख रहा है, आवाज को आपने पकड़ा हुआ है इसलिए वो आवाज है, यानी कि वो आवाज आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। अभी बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं ऐसे ऐसे जाता गया, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि कहां तक हम जा सकते हैं, बट मोटा मोटा मैं कह के आगे बढ़ जाता हूं। कभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बाहर एक्चुअल में कहीं कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए है। आप जो सूंघते हो किसी भी चीज को, तो आपको पता कहां लगता है कि आपने उसको सूंघा है, अंदर या बाहर? अंदर। टेस्ट करते हो तो कहां पता लगता है, बाहर या अंदर? अंदर। देखते हो तो कहां दिखता है, बाहर या अंदर? सोचो, अभी आप मुझे कहां देख रहे हो, आंखों के थ्रू अपने अंदर देख रहे हो या बाहर देख रहे हो? बाहर तो आपको लग रहा है कि कुछ दिख रहा है, एक्चुअल में कहां देख रहे हो? अंदर। साइंटिफिकली बात कर रहा हूं मैं, कोई मिस्टिकली या वो नहीं कर रहा, अंदर देखते हो, कुछ भी फील करते हो, कोई सेंसेशन होती है, टच होता है, कहां पता लगता है, बाहर या अंदर? अंदर। आवाजें जो आती हैं सुनाई देती हैं, वो कहां सुनाई देती हैं, बाहर या अंदर? अंदर। तो बाहर कुछ है भी या नहीं? इसको पांच भूत क्यों कहा गया है? पंच भूत, भूत का मतलब पता है ना, वो जो है ही नहीं, किसी के होने की वजह से वो है, जिसको भूत दिख रहा है उसके लिए भूत है, नहीं तो भूत कहीं नहीं है। ड्रामा हो रहा है थोड़ा सा। अब इन बातों को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बहुत ही पीसफुल माइंड चाहिए, एक्सट्रीमली पीसफुल माइंड, जिस माइंड के अंदर कोई भी किसी तरह के फालतू के डिजायर्स ना हो। क्लियर हो रहा है? अननेसेसरी चीजों को पकड़ ना रखा हो, जिसको पकड़ने से सिर्फ दुख मिलता है, उनको ना पकड़ा हो, जेलेसी ना हो, अंदर बहुत तरह की ये ना हो कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि अगर वो सब हुआ तो ये सब बातें कहां सोच पाओगे, मेरे साथ में ये सब हो गया, वही सोचते रहोगे तो ये कहां देख पाओगे कि जो हो गया उसको छोड़ो, अभी जो हो रहा है उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो वो भी पास्ट है। एब्सोल्युटली। आपने मुझे देखा, जब तक आपने मुझे देखा, आपसे ही बात करूंगा क्योंकि आपको नींद आ रही है। बताना समझ आया नहीं आया, मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है? आपने मुझे देखा तो आपने मुझे कहाँ देखा, अपने अंदर देखा या बाहर देखा? अंदर, अंदर देखा। ये हमको पता है कि सब कुछ बदल रहा है इस दुनिया में,
कुछ भी रुका हुआ नहीं है, एक बहती हुई नदी के जैसा है। तो जब तक आपने इसको यहाँ पर देखा अपने अंदर, लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है ये हमको पता है, है ना? तो लाइट यहाँ पड़ी, वो लाइट आपके पास में गई, फिर आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई। तो जब तक वो इमेज क्रिएट हुई तब तक जो रियल में जिसको आप देख रहे हो सकता है वो वहां पर हो ही ना। आसमान में हम तारे देखते हैं जो मान लो 20 लाइट ईयर्स दूर है, तो आज आपको दिख रहे हैं क्योंकि लाइट को वहां से यहां पहुंचने में 20 साल लगे हैं। आपको लग रहा है कि वहां पे तारा है, आपको दिख रहा है वहां पे तारा है, बट हो सकता है उस तारे को मरे हुए 18 साल हो चुके हो, आप भूत देख रहे हो। लग रहा है डर? भूतों की दुनिया से डर तो नहीं लग रहा? तो जो है उसको क्या कभी आप देख सकते हो? देखने के लिए बीच में स्पेस होना चाहिए। आवाज को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। आसमान में दिवाली के टाइम पे एक बम फटता है जो आपको पहले दिखता है लेकिन उसकी आवाज बाद में आती है। मतलब क्या है? लाइट तेज ट्रेवल करती है, साउंड धीरे ट्रेवल करती है। जब सेंसेशन होती है, कई बार गर्म चीज टच कर जाती है, उसके कुछ सेकंड्स बाद हमको पता लगता है कि गर्म लगा है, तब तक तो जल गया होता है। जिस वक्त वो लगा था उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था। स्मेल की आवाज पहले आती है, स्मेल बाद में पता लगती है, होता है क्या? मतलब है हवा में धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है। समझ आ रहा है? ऐसे बारीकी से अपने एक एक सेंसेस को ऑब्जर्व करो। जब आप अपने सेंसेस को अच्छे से टटोल लोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान का मतलब पता है क्या है? वर्तमान मतलब कि जो है उसको वर्तमान कहते हैं, वो नहीं जो था। तो जिसको आप वर्तमान बोल रहे हो वो तो था, वो तो मर गया। कहाँ है संदीप? ये कौन? ये जिसको आपने एक सेकंड पहले देखा था वो, या जिसको अभी देख रहे हो वो? कहाँ है वो? तो कोई और है। तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जब आप पकड़ोगे तो वो जो सेंसेशन है गैप तो रहेगा ना। और जब स्पेस खत्म कर दिया तो कौन किसको देखेगा, कौन किसको फील करेगा, कौन किसको सुनेगा? सुनने के लिए स्पेस तो होना चाहिए दो चीजों में, तभी तो सुनोगे, तभी तो देखोगे। तो करना क्या है अब प्रैक्टिकली? सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल बना लो, क्लियर कट गोल। जो मेरी लाइफ का गोल है, भारत में हम रहते हैं ये तो हमें पता है। भारत का मतलब पता है किसी को? थोड़ा गलत हो गया जल्दीबाजी में। भा का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ब्रह्मन भी बोलते हैं जिसको, आत्मा भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब क्या है? कोई भूत प्रेत नहीं है जिसको लोग समझते हैं, ठीक है? आत्मा मतलब मैं, आत्मा सेल्फ, सेल्फ का मतलब हमको समझ आता है ना, मतलब मैं, मतलब मुझे समझने की जो नॉलेज है उसको भा कहते हैं। रथ मतलब क्या? वो जो डिवोटेड है। तो भारत का मतलब क्या? वो जो सेल्फ की नॉलेज में डिवोटेड है। जैसे हमारे पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी सिर्फ खुद को जानने के लिए। देयर कांट बी अ हायर गोल देन दिस, देयर कांट बी अ बेटर गोल देन दिस। इनफैक्ट देयर कैन नॉट बी एनी अदर गोल देन दिस विच कैन बी कॉल्ड एज एन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज आप कोई भी गोल सेटिंग कर लो, किसी भी तरह की कोई भी गोल सेटिंग इस दुनिया में, क्या आप उसको कह सकते हो अल्टीमेट है? मुझे इतना पैसा चाहिए, पैसा मिल गया तो फिर क्या होगा? काम खत्म हो गया? इज दैट कंक्लूसिव? हाँ, ओनली सेल्फ नॉलेज इज कंक्लूसिव।
That's why this can be called as the ultimate goal. वो जिसको पाने के बाद में आपको सब कुछ मिल जाए, जिसके बाद में और कुछ पाने की चाह ना रहे, यानी कि आप भिखारी ना रहो। जिसको 100 करोड़ मिल गए और वो 1000 करोड़ के लिए तड़प रहा है, भाग रहा है पागलों की तरह, पागल हुआ पड़ा है, वो क्या है? 900 करोड़ का भिखारी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है इस पूरी दुनिया में, एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप कह सको कि यहां पर मुझे खुशी मिलती है, गारंटेड खुशी मिलती है। अगर हो तो सब लोगों को एक क्लियर गोल मिल जाए कि हाँ, ये खुशी का एक ऑब्जेक्ट है, इतने रुपए का है, मुझे ये खरीदना है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वही ऑब्जेक्ट जिसके पीछे आप अपनी जिंदगी के 20 साल लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, हो सकता है कोई और आदमी उसी ऑब्जेक्ट से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर लाइफ का सच में कोई मीनिंगफुल गोल है तो वो क्या है कि हमको हर चीज़ की समझ को बढ़ाना है। इस दुनिया में जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उसको भी समझ के करें, रट्टा मार के ना करें, बेवकूफ़ों की तरह ना करें कि खाना बना रहे हैं तो प्यार से बनाएं, समझ के बनाएं, अपनी समझ को डेड ना होने दें, मैकेनिकल ना बने, मशीन ना बने। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मशीन्स बन गए हैं, मशीनी जिंदगी जी रहे हैं, मशीन की तरह सुबह उठते हैं, चलने लग जाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर आकर के फिर सो जाते हैं, सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। मैं औरों का दुनिया का नहीं कहता, अपना बताता हूं। जिन लोगों को मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं इस वक्त, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, नॉलेज के सिवा, अपनी नॉलेज। वो आदमी जो खुद को जानता है। आई रिस्पेक्ट समबडी हु इज एब्सोल्यूटली पीसफुल नो मैटर वॉट। आई रिस्पेक्ट दोज हु अंडरस्टैंड लाइफ करेक्टली, जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पा रहे हैं, वैसे नहीं जैसे दुनिया देख रही है, 700 करोड़ लोग देख रहे हैं, वैसा जैसा कि है। ये समझ बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर ऐसा कोई आदमी है और अगर आप ऐसे बन सको तो यू आर इंटेलिजेंट, अदरवाइज यू आर अ फूल, भागते रहो इधर से उधर एंडलेस चक्रों में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, भागते रहो, कहाँ आपको एंड मिलने वाला है भाई, नो एंड। सो इसको अपना अल्टीमेट गोल बना के, और फिर आपको कहाँ जाना होगा, देन सिर्फ एक काम आपके लिए करना रह जाएगा। बिकॉज मैंने बताया ना, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक है एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ, वो आपको हो चुका है, ये ही आप हो। अब इससे ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं और क्या बोलूँ, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस बोल रहे हो वो ही आप हो। अब समझ क्यों नहीं आ रहा, इतनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं लेकिन बार बार समझ नहीं आ रहा ना, नॉलेज नहीं है। मैं कह रहा हूं यही मणि है, यही वो पारस मणि है, यही वो है। अगर आप ये हो तो अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। अगर आप ये मानो ना कि मैं ये हूं, और आप ये जान लो स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से स्टडी करके, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके, तसल्ली से देख करके, वेरीफाई करके एक एक स्टेप को, आप ये जान लो कि मैं वो हूं जो सबके अंदर भी हूं, सबके बाहर भी हूं, सब कुछ मेरे अंदर ही है और मैं सबके अंदर हूं। सबके मतलब सबके, सबके मतलब सिर्फ वो नहीं जो आपके ध्यान में है, ध्यान भी। ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रॉस और सटल। ग्रॉस मतलब ये सब जो दिख रहा है, सटल मतलब माइंड के अंदर थॉट्स। ये सब कहाँ है, आपके ध्यान में है। ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है, ध्यान किस में है?
ये किस पर टिका है? अगर आप पे नहीं टिका तो, और अगर आप वो ही हो, क्या करने को रह गया और क्या छोड़ने को रह गया? थॉट के होने से क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? कैसा भी थॉट हो, मैंने इस साउंड ऑफ साइलेंस को सुना, क्या ये आपका एक थॉट है कि मैं उससे अलग हूं, या ये रियलिटी है? अब इससे ज्यादा स्ट्रांग तरीके से मैं और क्या बोलूं? तो अब ये चीजें कैसे समझ आएंगी और गहराई से, क्योंकि ये अभी कुछ लेयर्स है जो मैंने टच करी है। इट्स सो डीप, द मोर यू गो इन इट द मोर क्लैरिटी यू विल गेट, स्ट्रॉन्गर योर अंडरस्टैंडिंग इज, फियरलेस यू विल बिकम, यू विल बी एब्सोल्यूटली फ्री। फिर उसके बाद आप जो मर्जी करो या कुछ मत करो, आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, उपनिषद को स्टडी करना है, धीरे धीरे शुरू करना। पहले भगवद गीता से आप शुरू कर सकते हो। भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद, सिंपल लैंग्वेज में है, समझ आएगी। ठीक है, उसको बड़े बारीकी से समझते चले जाना। जहां पर भी कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये मैं ही हूं, तो समझ लेना वो स्टैंड पॉइंट कौन सा है। देयर आर थ्री स्टैंड पॉइंट्स जहां से बात की जा सकती है। एक स्टैंड पॉइंट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दिस बॉडी, जैसे हम इस दुनिया में बात करते हैं, उसको व्यवहारिक बोलते हैं, जरूरी है। अब मैं जा करके अपने फैमिली में सबको ये नहीं बोलूंगा मैं आत्मा हूं, ये हूं, डस नॉट मेक सेंस। संदीप मीन्स दिस बॉडी एज फार एज दिस ट्रांजेक्शनल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। ट्रांजेक्शनल मतलब गिव एंड टेक, मैंने कुछ बोला, आपने सुना, आपने कुछ बोला, फिर मैंने सुना, फिर मैंने कुछ बोला, ट्रांजेक्शन चलती रहती है यहां पर। एक है स्टैंड पॉइंट ऑफ द माइंड, व्हाट इज माइंड, थॉट्स। आपको यह समझना है कि जिस वक्त वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं तो किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आत्मा, तो लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि दे विल बी अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ देयर बॉडीज या फिर फ्रॉम देयर माइंड्स। यहां पर जाकर के लोग अटक जाते हैं। इसको तोड़ना है तो सिर्फ वेदांत है, उपनिषद है। हजारों लाखों लोग उस पर स्टैंप लगा चुके हैं और लगा रहे हैं कि ये सच है, कोई एक आदमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं यही सच है, उसका प्रमाण क्या है, अथॉरिटी क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, उसको साइंस कह सकते हैं? नहीं। दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज नॉट रियालिटी। वॉट इज साइंस विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट, इंटरनल दुनिया के साइंटिस्ट, उन्होंने वेरीफाई किया। देखो, अल्टीमेटली जितनी भी गीता है, अगर आप गीता प्रेस में जाएंगे वहां पर आपको गीता मिलेगी जिसमें 25 तरह की गीता है। इन सब गीता का सोर्स क्या है? वेद व्यास का सोर्स क्या है जिसने भगवद गीता लिखी? इन सब का सोर्स क्या है? उपनिषद। अष्टवक्र ने कहां से सीखा? उपनिषद, वेदांत, वेदों का अंत। वेद मींस नॉलेज। मैं एक वर्स आपको बता देता हूं, उसके बाद में इसको हम रैप अप करते हैं। ये वर्स है मांडुक्य उपनिषद में। इसकी अगर आप गहराई में चले गए और इसको एक एक करके आप खुलते चले गए, परत है इसमें बहुत सारी, तो आप काफी अंदर तक जा सकते हो। लेकिन यहां तक आपको जाने के लिए पहले आपको भगवद गीता कम से कम 10 बार 20 बार 50 बार पढ़नी होगी, समझनी होगी। और हर बार आप पढ़ोगे हर बार कोई नया मतलब निकल के आएगा, क्योंकि कुछ परत खुल गई होगी। अभी भी आप नोट करते होंगे, एक बार पढ़ा मतलब कुछ और था, दोबारा पढ़ा कुछ और था, फिर दोबारा कुछ और था, खुलता गया। फिर आप उपनिषद में आना, बिकॉज उपनिषद इज वेरी डायरेक्ट। भगवद गीता जो है दैट इज फॉर मासेस, जिसको हर आदमी समझ सके। उपनिषद में इस पे जोर नहीं है कि आपको समझ आए ना आए, उसमें सच को बोला जा रहा है। अगर आपको समझ आ जाए बढ़िया है, नहीं आए तो आपकी प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो? उपनिषद मींस ये सच है भैया, आपको नहीं समझ आता तो अपने आप को बेटर बनाओ। आपको लगे 100 साल, 1000 साल, लाख साल, वो आपकी प्रॉब्लम है, ये सच है। डंके की चोट पर यह सच है, दैट इज उपनिषद डायरेक्ट। तो उसका एक वर्स है, मैं उसका शुरू का पार्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में जाना है। बेस तो आपको मिल गया है, जिसको आप साउंड ऑफ साइलेंस कहते हो,
गोल मिल गया है, दैट इज टू नो द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ, खुद को जानना है, इससे बड़ी चीज और क्या होगी. सो दिस इज फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद एंड द वर्स गोज लाइक दिस, न अंतः प्रज्ञम. ठीक है, मैं पहले एक बार रिसाइट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसका फर्स्ट पार्ट जो है एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को. न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभ्यतः प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृश्यम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राम्यम, अलक्षणम, अचिंतयम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सार, प्रपंच उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम, मन्यन्ते, स आत्मा सविज्ञेयः. ये है मांडुक्य उपनिषद का जो वर्ष है. इसका मैं सिर्फ शुरू का जो छोटा सा पार्ट है वो टच कर देता हूँ, बाकी की गुत्थी आपको सुलझानी है. ठीक है, ना अंतः प्रज्ञा मीन्स जो भी आप अपने अंदर देखते हो सपनों की दुनिया में, सपनों में आप अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हो, मैं उड़ रहा हूं, मैं वहां पानी में तैर रहा हूं, मेरे को मगरमच्छ ने खा लिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ ना कुछ तो देखते ही हो आप, वो नहीं हो. ना अंतः प्रज्ञम, जो भी आप सपनों की दुनिया में अपने को देखते हो वो आप नहीं हो. ना बहिष्प्रज्ञम, बाहर जो भी कुछ आप देखते हो अपने आप को इस दुनिया में वो भी आप नहीं हो. और देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं हो रही, ध्यान से देखने की बात हो रही है. आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे से जो ध्यान है वो देखता है. तो जाग करके जो भी आपके ध्यान में आता है वो सब आप नहीं हो, थ्रू योर सेंसेस, थ्रू योर फाइव सेंसेस. क्लियर हो रहा है? क्या क्या आता है? आप अपनी बॉडी को भी देख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप ये बॉडी नहीं हो. दैट इज नॉट योर रियल सेल्फ, दैट इज योर परसीव्ड सेल्फ. आपको लग रहा है कि मैं ये हूं, बट आप ये नहीं हो. ना उभ्यतः प्रज्ञा, कई बार ऐसा होता है जब हम सपना देख रहे होते हैं, जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं, कि आप ना सोए होते हो ना जागे होते हो, लेकिन आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, आप वो भी नहीं हो. ना प्रज्ञान घनम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मेडिटेटर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रज्ञान घनम मीन्स गहरी नींद, जहां पर कुछ नहीं होता. मैं एक हो गया था, लेकिन पता कब लगा मुझे? 15 मिनट बाद. मैं सोया हुआ था, पता कब लगा? 7 घंटे बाद. मतलब आप वो स्टेट भी नहीं हो जहां पर कॉन्शियसनेस नहीं होती. आ रहा है पकड़ में? जो आप सच में हो वो नहीं जो आपको लगता है कि आप, वो नहीं जो आप मानते हो कि मैं हूं, वो नहीं जो दुनिया बोलती है कि आप हो, जो आप सच में हो. उसमें शांति से रहना, और जो हो रहा है इस बॉडी के थ्रू और माइंड के थ्रू वो होने देना, ही स्पिरिचुअलिटी है.